तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेपी पावर, यानी कि जयप्रकाश पावर। आप इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर तो ये चार्ट काफी सॉलिड नजर आ रहा है और ये लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, तो ये है दोस्तों इसका असली रूप। ये कंपनी किसी जमाने में 84-85 रुपए के आसपास ट्रेड करा करती थी और अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए है और वहां से ये बहुत ज्यादा गिरती चली आई। और 2018-19 के बाद से इसमें फिर से रैली बननी शुरू हो रही है। देखा जाए तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है और इस बॉटम का ब्रेकआउट भी हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों इसके आगे के लेवल्स के बात करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, 22 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 15,169 करोड़, स्टॉक पी सिर्फ और सिर्फ 9.6 का है, आरओसी 14% एंड आरओई 12.8% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 8.35 रुपए का इसका लो था और 24 रुपए का हाई लगाया है कंपनी ने। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1994 से इनकॉर्पोरेट है और ये कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 39.8% की रेट से ग्रो किया है। और वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी आजकल लगातार प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और साथ ही साथ इसका जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में बहुत ही लो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4.96% से। और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगभग 80% के आसपास प्लेज रखी है, ये इसके लिए बहुत ही बुरी बात है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी एनर्जी जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी पीयर ग्रुप्स में आती हैं। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 915 करोड़ का था, जून 2022 में 1820 करोड़, जून 2023 में 1708 करोड़ और जून 2024 में 1755 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 242 करोड़, जून 2023 में 192 करोड़ और जून 2024 में 349 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि क्वार्टरली इसमें तो ग्रोथ नजर आ रही है। और इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2,469 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,658 करोड़, मार्च 2021 में 3,302 करोड़ और करंट में कुल 6,810 करोड़ का है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 358 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में -1,295 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में 281 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 1,179 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसमें काफी ज्यादा उथल पुथल लगा रहता है, यानी कि दोस्तों ये स्टॉक भी साइक्लिकल है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस एजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 6% की रेट से, पिछले 5 सालों में 79% की रेट से, पिछले 3 सालों में 62% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 141% का रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 5 सालों से देखा जाए तो कंपनी ने काफी बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 23,015 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 23,994 करोड़, मार्च 2021 में घटकर 5,227 करोड़ पर हुआ और अभी मार्च 2024 तक 4,246 करोड़ का लोन और रह गया है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 33,143 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 37,836 करोड़ का, मार्च 2021 में 16,994 करोड़ का और अभी मार्च 2024 में 17,303 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में ये लोन अभी भी काफी ज्यादा है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 में 26.02% थी, वो सितंबर 2024 में घटकर 24% पर आ चुकी है। FIH की होल्डिंग 1.02% से बढ़कर 7.78% एंड DIH की होल्डिंग 23.48% से घटकर 18.35% पर आ गई है। लेकिन दोस्तों इसमें पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 49.69% से 49.87% हो गई है, यानी कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें पब्लिक की है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको संभलना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी में लगातार ग्रोथ नजर आ रही है, आरओई भी पिछले 10 सालों से ग्रो कर रहा है, रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी गुड टाइम टू बाय बता रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी अच्छी नजर आ रही है, सेल्स ग्रोथ में भी अब बढ़ोतरी नजर आ रही है और उनका जो डेप्थ है वो भी मैनेजेबल है। हाँ, कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज किया है, ये कंपनी के लिए खराब न्यूज है, बाकी और कोई खास दिक्कत इसमें नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अराउंड 90% एंड कोल से इनको 10% का
व्यवसाय आता है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से लगभग सारा का सारा बिजनेस होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पावर वाले सेक्टर से इनको सबसे ज्यादा मुनाफा भी आता है। तो दोस्तों हम लोग जेपी पावर के चार्ट पर वापस आ गए हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी कि ये स्टॉक बहुत ही ऊपर से नीचे आया है, लेकिन अब इसमें ग्रोथ नजर आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और ये स्टॉक भी लगातार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है। तो अगर हम इसके लेवल्स की बात करें तो इसका जो ये पुराना वाला लेवल है यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, तो अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलता है तो जल्द ही इसमें 29 रुपए के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से भी ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें 40 वाले लेवल पर तेजी आ सकती है। तो अगर दोस्तों ये 40 वाले लेवल तक चला गया तो यहाँ से 100% की तेजी अभी ऊपर की बाकी है। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। अगर आपको करना है तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक ना लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कि दोस्तों जाते जाते कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं।